नमस्कार दोस्तों, मोबाइल स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए बिहार विधानसभा सचिवालय का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट के बारे में बता दूं। जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म भर रखा था उन लोगों के लिए खुशखबरी है, रिजल्ट आपके पास आ गया। आप अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो संख्या नंबर 1/2018 में जो सहायक पद के पद पर सीधी भर्ती हेतु 18/12/2018 को जो एग्ज़ाम हुई थी, 18 से लेकर के 24 के बीच में जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट आ गए हैं। ये सारे रोल नंबर हैं, आप अपने रोल नंबर मिला लें। जो भी लोग इनमें सफल हो गए हैं उन लोगों को बधाई हो, और उन लोगों के लिए जो है मेंस के लिए जो है फॉर्म के लिए साइट दे रखी है www.vidhansabha.bih.nic.in पर देख सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं और आगे का इन्फॉर्मेशन उस पर दिया हुआ है। इसमें आप कट ऑफ के बारे में बता देते हैं, इन लोगों के कट ऑफ कितने का। सबसे पहले आप अपने अपने रोल नंबर यहाँ से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल में, उसके बाद वो चाहेंगे तो अपना रोल नंबर देख सकते हैं। ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट जो आप लोगों का है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। कितना कट ऑफ किया ये देख लीजिए। अनारक्षित लोगों के लिए कितना है, 321.11 है। ये मेल के लिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए क्या है, 295 है। अनुसूचित जाति के लिए भी 295.58 है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 259 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 300 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 309 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 283 है। पिछला वर्ग के लिए जो है 293 है। दिव्यांग के लिए जो है आपका 285 है। ये सारे आपके जो है कट ऑफ की दिए हुए, इसे आप देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें है जो सहायक के पद पर सीधी भर्ती जो एग्ज़ाम हुई थी उसके लिए है। इसमें सीधे अपना एडवर्टीजमेंट नंबर आप मैच कर लें, इसमें आपका रोल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर उपयुक्त सफल घोषित उम्मीदवारों में अनारक्षित कोटि के अंतर्गत 40 थी, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 एवं पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 10 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। अब अपना कट ऑफ देख लें आप लोगों का, पहले तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख लें। अनारक्षित लोगों के लिए 270 है, महिला में अनारक्षित के लिए 250 है, अनुसूचित जाति के लिए 214, अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा के लिए 256 है। इसके लिए भी आप जो है मेंस के लिए विधानसभा का जो और अपना साइट है उस पर जाकर के आप अपना मेंस के लिए फॉर्म भराएगा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब नेक्स्ट इसमें जो है बिहार विधानसभा सचिवालय में जो पुस्तकालय सहायक के लिए जो निकला था, पुस्तकालय सहायक के पद के लिए, वो लोग अपना अपना देख सकते हैं कौन लोग क्वालिफाई किए। इसका कट ऑफ मैं आप लोगों को बता दूं, इनका कट ऑफ कितना गया है। अनारक्षित लोगों के लिए गया है मेल के लिए 271 है, महिला के लिए 238 है, अनुसूचित जाति के लिए 218 है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 164 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 258 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 209 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 254 है। मुख्य परीक्षा के लिए जो सूचना है वो आपको प्रदर्शित कर दी जाएगी, वो आप अपने एग्जाम में देख लें। अब नेक्स्ट इसमें है बिहार विधानसभा सचिवालय में जो उर्दू के लिए जो निकला था, उर्दू सहायक पद पर सीधी भर्ती हेतु उनके लिए रोल नंबर दिया हुआ है। वो लोगों को अपना अपना देख लें, मैच कर लें, उनके कट ऑफ कितने गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 172 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 278 है। इन दोनों के लिए थी वैकेंसी आई थी। मेंस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और आप इसकी वेबसाइट पर भी जा कर के देख सकें। अब ये आया आपके उर्दू में अनुवादक के पद पर जो आया था, वैकेंसी आई थी अनुवादक के पद के लिए भी कुछ सीटें थी, उसके लिए देख लें। अपने अपने रोल नंबर को मिला लें, ये सारे रोल नंबर मिला लीजिए आप। इनका भी वही प्रोसेस है, परीक्षा फल जो है आने के आ गया है और जो मेंस के लिए जो प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा। इनमें अनारक्षित महिला के लिए 172 और अनुसूचित जाति के लिए 185 इतने सीट है, ये देख लीजिए। ये अंग्रेजी और हिंदी के पद पर जो सीधी भर्ती हेतु हुई थी एग्ज़ाम, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बिहार विधानसभा सचिवालय, उसका रिजल्ट है। इसमें अपना रोल नंबर मैच कर ले। इसमें अनारक्षित के लिए 302.38 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 280 कट ऑफ किया है। मेंस के लिए जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक बार आप जो है अपना स्क्रीनशॉट लेकर के देख लें आप लोग क्वालिफाई किए कौन लोग किए कौन लोग नहीं किए। नेक्स्ट आइए, सहायक अवधायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु जो एक टेस्ट हुआ था उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए, ये अपना रोल नंबर देख लीजिए।
अपने अपने रोल नंबर मिला लीजिए। बिहार विधानसभा सचिवालय का रिजल्ट आ गया। जो लोग भी मेरे चैनल से देखे, उन्हें अच्छा लगा, वो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।